हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बहुत ही चंगे होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से गुरु पूर्व की शुभकामनाएं, आप सबको गुरु पूर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी गाड़ी में हूँ, बेल्ट वेल्ट लगा के कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ छतरपुर बड़े मंदिर गुरु जी के साथ। और किसके साथ जा रहा हूँ तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये हमारे, मैं इन भाई के साथ जा रहा हूँ, शिवम भाई के साथ, जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया था। जय गुरु जी कह रहे हैं आप सबको भाइयों। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे शिवम भाई हैं एकदम बेकार, मतलब एकदम बढ़िया बंदे हैं। तो मैं इन भाई के साथ जा रहा हूँ आज। वैसे तो बाइक में जाता हूँ ज्यादातर, लेकिन आज मैं गाड़ी में जा रहा हूँ इनके साथ। ठीक है, तो मैंने बोला था, इन्होंने बोला था, लेकिन मैंने इनको बोला कि मेरे को नीचे लेने आ जाओ घर के नीचे, लेकिन ये आए नहीं। इन्होंने बुलाया मुझे ये इतनी दूर से अपने यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, पर वाले ही देखेंगे। गाड़ी भी साफ करी है, गाड़ी भी साफ करी इन्होंने कि वरुण भाई आ रहे हैं, थोड़े थोड़े बहुत सेलिब्रिटी आ रहे हैं। रूम जैसे मैं अंदर घुसा गाड़ी में अच्छी सी खुशबू से आई, उन्होंने रूम फ्रेशनर छिड़का हुआ था ताकि वरुण भाई को अच्छा लगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं इम्प्रेस तो हो गया हूँ इनसे, इन्होंने गाड़ी घुरी ओके कर रखी है। तो फिर अभी हम निकल गए, अपने घर से निकल गए, फिर रास्ते में है अभी, फिर जब गुरु जी के यहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे। लेकिन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अंदर का सीन मैं बिल्कुल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, कैमरा अलाउड नहीं है बिल्कुल भी अंदर। फोन भी तो सबमिट हो जाते हैं? नहीं नहीं, सबमिट नहीं होते हैं, साइलेंट करके पॉकेट में रखना होता है, पॉकेट में रखना। हाँ, तो अगर पॉसिबल हुआ हल्का फुल्का मैं इधर 5 साल बाद जा रहा हूँ। 5 साल बाद जा रहे हो? अच्छा, लास्ट टाइम कैसे गए? शिवरात्रि पे गया था एक बार, गाड़ी से गया था। अच्छा, नहीं मेट्रो से गया था। हाँ। मेट्रो से छतरपुर, छतरपुर से फिर वो सेटल होती है ना। हाँ हाँ हाँ। जो गाड़ी होती है लगी हुई। हाँ हाँ हाँ। उससे गया था। अच्छा, शिवरात्रि में बड़ी भीड़ थी सुबह पूरी। जो मेन जो प्रग वाले दिन होते हैं ना, मेन दिन होते हैं इन दिनों, ज्यादा अच्छा वहाँ पे रहता है। 5 साल बाद जा रहा हूँ, 2017 में गया था। अच्छा, 2017 में गए थे, अब जा रहा हूँ। चलो, गुरुजी ने बुलाया इनको, इनके वो तो सब मतलब बढ़िया बंदे वो तो सब ऊपर वाले की हुए कि किनके साथ जा रहे, किस अच्छे बंदे के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जब हम गुरुजी के यहाँ पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, क्योंकि आज तो बहुत ही अच्छी वहाँ पे शाम को जो है लाइटनिंग होगी, बहुत ही अच्छा व्यू रहेगा आज का वहाँ का। तो गाइस मिलते हैं फिर वहाँ पे। तो अभी हम रुके हैं ये पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी हम। हैं शिवम भाई, 1,006 रुपए का। बंदे वगैरह कुछ पैसे दूं? मैंने कहा हाँ, तो कह रहा 6 रुपए दे देता हूँ ऊपर वाले। काफी पेट्रोल बढ़ रहा है गाड़ी में। तो गाइस हम आ गए हैं छतरपुर बड़े मंदिर। आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संगत जो है आ रखी है, ये देखिए। तो अभी हमने गाड़ी जो है पार्किंग पे लगाई है, और हमारे शिवम भाई हैं। तो शिवम भाई, कितनी संगत आ रखी है यहाँ पे? अभी आपने देखा होगा लाखों से ऊपर है संगत भाइयों। गाड़ी बहुत पीछे लगाई है हमने, गाड़ी बहुत पीछे लगाई है, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। हाँ जी शिवम भाई, कैसा लगा आपको? जय गुरु जी। क्या पी रहे हो आप? चाय प्रसाद पी रहे हो? चाय प्रसाद पी रहे हो? पहली बार चाय पी जिंदगी में। अब देख लो, तुम्हारा नसीब यही था कि यही चाय पियेंगे। वो देखो सामने, देखो सारी, उधर देखो, मैंने बोला था ना चल जाएंगी। मैंने बोला था गुरु जी का प्रसाद मिला, पहली बार चाय पिया, सारी खत्म कर दी मैंने। अच्छा, ये गाइस हमें प्रसाद मिला है, देखो मेरे को पनीर की सब्जी मिली, इन्हें दूसरी सब्जी मिली, मुझे दूसरी सब्जी मिली। तो अभी हम खाएंगे ये, अभी तो हमने चाय प्रसाद पी लिया है, और शिवम भाई ने कभी जिंदगी में चाय नहीं पी थी, आज इन्होंने चाय भी पी ली है भाइयों। मुझे चाय लगी नहीं रही, टेस्टी नहीं लगा, चाय से लग रहा है जा रही है अंदर। देखो भाई, पता होता तो मैं नहीं पी पाता, मुझे वोमिट हो जाती है चाय से। अच्छा देखो, अब गुरुजी का आशीर्वाद था तुम्हें कि तुमने यही चाय पीनी है जब भी पियोगे। पहली बार लाइफ में। हाँ, लाइफ में देखो पहली बार तुमने चाय पी है। कितनी बार पूछी है तुमने, मैंने कभी पी नहीं। हाँ, तुम कभी नहीं पीते थे चाय। अब ये बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ यहाँ के भाई? मन को तसल्ली हो गई, चाय पीने से पहले मेरे मतलब कुछ अजीब सा हो रहा था। और ये देखो तुम चाय मुझे दे रहे थे, अब तुमने देखा ना, तुमने पहले पूरी पी ली, सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। अच्छा लग रहा है चाय पी के? अब बहुत बहुत
गुरु जी दोबारा बुलाते रहे, हर बार आए, हर बार आए हम, हर हफ्ते बिल्कुल है। ऐसा है ना कि बिल्कुल स्वर्ग आ गए हम लोग, है ना, ऐसे रोंटे खड़े हो रहे हैं यार, और टाइम का भी नहीं पता लगाते, टाइम का भी नहीं पता चलता, और देख लो लाखों में संगत है, कुछ पता नहीं चल रहा। गाइस हम निकल रहे हैं अभी, ये आ गए हम पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास, आने वाले हैं गाड़ी के पास, आ गए पार्किंग पे, बिल्कुल आ गए जी। निकालो फिर गड्डी, निकालो चलते हैं। पार्किंग के स्लॉट बना रखे हैं बहुत सारे, इतनी सारी पार्किंग है यहाँ पे और इतनी सारी संगत भी आ रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। खोलना शिवम भाई, खोलना, या फिर पहले वो रख दें, अंदर रख दें, मैं कह रहा हूँ ये अंदर रख दें क्या, पहले पीछे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ ना, बैठ के लाओ, गिरेंगे तो नहीं पीछे वाली सीट से, नहीं मिक्स ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना तुम्हारा, ये वाला मेरा, ये वाला, तो तुम बीच में एक काम करो, बीच में बैग रखो, बोतल डाल दी बीच में, बीच में बैग रखो, ये हो जाएंगे मिक्स, मुझे पता है ना, हेलमेट रख, हाँ बीच में हेलमेट रख दो, ब्लेसिंग इधर उधर हो जाएगी। पक्का मेरी थैली तो, थाली तो नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, तो तुम घर जाके खाओगे। हाँ मजा आया भाई, मजा आया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद, ये मेरा कप, ये भी कर ले जाऊंगा भाई, गया तो चले फिर, तो कप फेंका नहीं तुमने, मैं फेंका ही नहीं, मैं अब आया साथ में घर ले जाऊंगा, मैं तो फेंक दिया। और बताओ, मजा आया, गुरु जी ऐसे बुलाते रहे। अब तुम ये बताओ, रात को मैं गुरुपुरब जा रहा हूँ, गुरुपुरब कह रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, बंगला साहिब, चलोगे फिर, मतलब यहाँ से घर जाने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे फिर चलेंगे, बता दो, चल लेंगे, ठीक है। यहाँ तो भैया वही है, अभी मैं तो मंदिर होता हुआ जाऊंगा ना, लोधी रोड, अच्छा हाँ तो मंदिर भी जाना है अभी, हाँ चलो फिर बैठते हैं। चलो प्रभु चले, अभी निकलेंगे हम यहाँ से, मैं गाड़ी कर दी ऑन, बरसात, चलो अमृत जल पी लूं पहले जरा, मैं अमृत जल, जल प्रसाद, आज इस लड़के ने चाय पी है पहली बारी जिंदगी में, जिंदगी में फर्स्ट टाइम चाय पी है भैया ने, गुरुजी की ब्लेसिंग थी उसमें, हाँ मैं तुम्हें देने वाला था अपनी, नहीं तो ये मुझे देते थे, आज इनकी ब्लेसिंग मैं पी लेता सारी। वो तो मैं समझदार हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा लड़का हूँ, जो मैंने समझा दिया कि तुम पियो ये, नहीं तो पी गया, नहीं तो कोई और होता ना, ये दो मिनट में पी लेते खुद ही। चले गाइस अब मिलेंगे लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय एंड जय गुरुजी, ठीक है शिवम भाई, जय गुरुजी सभी को, ठीक है जी। तो कहते जाके तू भी कर लेगा अपना, फिर लग रहा है तो
आ गए घर? बिल्कुल आ गया, मेरा घर आ गया। हाँ, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा अपने घर। छोड़ने नहीं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा। मुझे पता तुम अच्छे अच्छे नहीं हो जो मेरे को छोड़ के आओगे तुम। गया गाड़ी चला चला। हाँ मुझे पता है। चलो फिर मैं निकलता हूँ, बाय। ठीक है, दोबारा अगले ब्लॉग में मिलेंगे वरुण भाई के साथ, वरुण ओजला जी के साथ, ओजला जी के साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब कौन बोलेगा है? तुमने बोल दिया, एक पॉइंट तो मिस होना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना बोले, नहीं तो शेम भाई को गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलो बाय, शेम भाई मिलते हैं। ठीक है, हाथ पकड़ दे। बाय। तो गाइस अब हम आए हैं अपना बंगला साहिब गुरुद्वारे है। अभी हम मैं आया हूँ और मेरे दोस्त आए हैं, सरदार जी आए हैं और एक और दोस्त आया, तो मैं आपको मिलवाता हूँ उससे गुरुद्वारे में। ये मिलो सरदार जी से। सरदार जी की हाल है? बढ़िया पाजी, तुसी भी बढ़िया हो? हम कहाँ पे आए अभी? बंगला साहब में। चलो फिर मत्था टेकते हैं बंगला साहब गुरुद्वारे में। चलो जी, अब हम गुरुद्वारे में जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अभी हम पार्किंग में थे, बाइक की भूखे लगाई है। पाजी कितनी भीड़ हैगी। साइड में बैठ जाते हैं, पूरी रात चलेगा पाजी। ये देखो जी, बंगला साहब का गुरुद्वारा। और यहाँ आप भीड़ देख सकते हो, कितनी ज्यादा भीड़ है। हाँ वीर जी की हाल है? आ गए गुरुद्वारे, आ गए। किदा लग रहा है तुहानू? बहुत वधिया लग रहा। भीड़ किन्नी हैगी है? मत्था टेकन कदों जाना फिर? पहले सरोवर तक चलना है। चलो सरोवर तक चलते फिर। पाजी कितने लेनी है? हैं? कितने फोटो लेनी है? अगे गुरप्रीत कौन? जो कह रहे थे आनू। अच्छा, और यार ले आंदे यार, उन्हें भी ले आंदे यार। की की मैं यार देख के चलना पड़ेगा यार, जो आगे चलना जाओ। और बच्चे वाली आते हैं तक? कोई नहीं यार, हमारे अंदर ही आते बच्चे वाली, हमारे अंदर थोड़ी ना है। भाजी की ले रहे हो? मैं एक मिनट पहना है का? भाजी है की है? पैकिंग है, पैसे भी है।
कितने का पैसे बताइए 1300 ये होगा 1800 के बीच जो भी लेके गया ये वो लेके गया 1200 रुपये का पाजी कड़ा दवा दो ना। अरे वो वाला नहीं मिल रहा ना जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा पाजी इधर आओ ये वाला नहीं चाहिए वही दूसरा वाला चाहिए ले लो 150 का यूज कर लो तुम भी नहीं नहीं ये नहीं चाहिए जो कड़े तो न्यू वर्जन आया वो चाहिए न्यू वर्जन यही है फिर नहीं ये भी नहीं है नो ये ले लो 150 वाला मैं तो करना थोड़े दिन यूज कर लो छे कर लो तो सूट बेच रहा ओए पीछे जाओ इन्हें अच्छा यहीं आए थे हम भाजी ले लें नहीं लाओगे थे थोड़ी सी बड़ी होती है बाइक थे मतलब स्टोन बाइक तो लगे हुए हैं फिर ये थोड़े दो ये ताल ले लो की एक ब्लैक ले लो हाँ ले लो एक सदर है दोनों लगे हुए हैं दोनों लगे हाँ तो एक कड़ा लेना है मैं प्लैटिना प्लैटिना तो ही ले लेना है क्या लिए बाइक प्लैटिना बाइक वो कितने गया इनको ओमकार कितने गया है ये रहा और दूजा की भी लेवा एक ले लो एक सिंगल ले लो एक ए ले लेना है पाजी उतर जाएगा ये मैं कह रहा हूँ ना मैं मत्थे से लगाना है प्लेटिना तो मत्था आएगा मैं स्टिकर इसलिए कह रहा हूँ स्टिकर इसलिए कह रहा हूँ स्टिकर ना परमानेंट जब कराएगा उतरेगा नहीं ये मैंने लगाया हुआ बुलेट में तो ही ले लो मैंने एक आसर दाजी का कितने लगाओगे नंबर प्लेट के पीछे नंबर प्लेट से लगाओगे चलो एक ए ले लो फिर एक ए ले लो जी एक कर दो ब्लैक कलर सरदार जी
सरदार सरदार जी वाला एक आदे पे और एक वाला ले लो घड़िया देखो यार किन्ने दा जी मैं और भी कुछ देख रहा हूँ मैं दिल कर रहा हूँ और भी कुछ लूँ भाजी और किले में दसो भाजी और किले सर्दी आ रही है मैं सोच रहा रख ला हाँ जी भाई है 40 रुपए तक मैं ले लूँगा जी बिना चश्मे का कहाँ होएगा भाई साहब तो मैं चश्मे में दिख रहे हैं क्या ऐ लगा हुआ है ब्लैक लो ब्लैक ब्लैक अच्छा लगेगा ज्यादा ऐ ब्लैक और डलो में बड़ा नहीं हैगा बड़ा पूछो ना मिल जाएगा और अच्छे पीछे देखो ठीक है लाओ इधर इधर लाओ इधर पल्ले तो तिरछा कर दिया ऐसे लेकिन जेब तो रखेंगे निकल नहीं जाएगा ना निकल जाएगा यही तो चक्कर है राहुल ये देखो जी दर्शन कर लो आप लोग बंगला साहिब के गुरुद्वारे का तो गाइस अब हम निकल रहे हैं और मेरे पास बैटरी भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा चार्ज कर लूं तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि भीड़ इतनी हो रही है संगत इतनी आई हुई है और रात के अभी 2 बज रहे हैं तो फिर हम निकलते हैं फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको व्लॉग अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें तो हैप्पी गुरुपुरा भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाय